वैसे अक्सर लोग मेरे को बोलते हैं कि यार आप मोदी जी के बारे में इतना क्यों बोलते हो। मैं ये कहता हूँ मोदी जी इतनी हैपनिंग पर्सनैलिटी है, इतना कुछ करते रहते हैं, जो कुछ करता है उसी के बारे में बोला जाएगा। मोदी जी को देखिए क्या क्या कर रहे हैं, कहीं झाड़ू लेकर के लगाने लगते हैं कहीं कचरा बिनने वाली औरतों के साथ में रेड कारपेट में बैठ के कचरा चुनने लगते हैं, कहीं हाउडी मोदी, कहीं वो मैन वर्सेस वाइल्ड, कुछ भी करते रहते हैं। अच्छा, मैन वर्सेस वाइल्ड तो इतना पॉपुलर हुआ कि डिस्कवरी चैनल वाले योगी जी के पास भी पहुंच गए। योगी जी से बोले कि योगी जी, मोदी जी के जैसे हम लोग चाहते हैं कि आप भी कुछ वक्त जंगल में गुजारे। योगी जी ने कहा माफ कीजिएगा, मैं यूपी का रोज गुजारता। तो मैंने बताया कि मोदी जी मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी अमेरिका गए, उसके बाद यूएन गए, वहां पे क्या क्या किया उन्होंने पता है आप लोगों को? मुझे भी नहीं पता। लेकिन अभी मोदी जी की रैली होने दो, सब कुछ पता चल जाएगा। भाइयों बहनों, मैं गया, मैंने इमरान खान को, मैंने डोनाल्ड ट्रंप को, भाइयों बहनों ये विकास, ये जापानी, ये अच्छा इतना कर गया। धीरे धीरे सब मालूम पड़ता है। तो मोदी जी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपको पता होगा पिछले दिनों उन्होंने आरबीआई से 1,76,000 करोड़ रुपए ले लिए। बताए ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो। अच्छा, सुना है कि 30,000 करोड़ फिर लेने जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे कोई बेटा अपने बाप से बोलता है पापा 10 लाख दो, क्या करना है? पापा बिजनेस करना है। 2 महीने बाद आके फिर बोलता है 5 लाख दो। बाप बोलते इधर आ, अभी तो 10 लाख लेके गया तो उसका क्या हुआ? नहीं पापा, वो तो शोरूम बनाने में खर्चा हो गया, अभी माल भी तो भरवाना है। बाप बेचारा 5 लाख रुपए फिर देता है, लेकिन उसके मन में ख्याल आते रहते हैं कि 5 लाख दिए हैं, 3 दिन के लिए बैंकॉक जा रहा है। बोल के तो गया है कि माल लेने जा रहा हूं, पता नहीं माल लेने जा। ऐसे ही आरबीआई 1,76,000 करोड़ रुपए दिए, अमेरिका जाके हाउडी मोदी करवा के आया, अरबों रुपए खर्चा हुए, ये रैलियों में बिजी हो जाएंगे, शोरूम में माल कब भरवाएंगे? कुछ चिंता रहती। अच्छा, मोदी जी बताए ना कुछ करते रहते। जब से मोदी जी आए, आई लेटर बोले टेंशन में है। कांग्रेस आई, कितना टेंशन में, आरबीआई, सीबीआई, आरटीआई, उनके भक्तों की आई, बंद। कभी मोहल्ले की औरतों को बात करते हैं, आपने सुना है? दो औरतें आपस में बात करती हैं जब, अरे बहन क्या बताऊं, सुबह 5 बजे उठती हूँ, सारा दिन काम करते करते थक जाती हूँ, 5 बजे उठो, इनको चाय बना के देती हूँ, इतने में बच्चे उठ जाते हैं, बच्चों का नाश्ता बना के दो, फिर उनका टिफिन दो, इसके बाद जब तक नहा धो के तैयार होती हूँ, उनके पापा उठ के तैयार हो जाते हैं, उनका टिफिन बनाओ, फिर उनको भेजती हूँ, फिर घर का झाड़ू कटका, इतने में फिर दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, इतने में मेहमान आ गए, 3 बज जाता है, इसके बाद कपड़े वपड़े इस्त्री करो, जब तक बच्चे आ जाते हैं, फिर शाम के खाने का टाइम हो जाता है, फिर इनके पापा आ जाते हैं, 10 बज जाता है, उसके बाद इनके पापा को तो जानते ही हो, मानते ही, 12 बजे तक टीवी देखते। पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, समझ में नहीं आता है। बिल्कुल ऐसे ही मोदी जी। भाइयों बहनों, 3 दिनों की विदेश की यात्रा के बाद मैं हिंदुस्तान पहुंचा, चंद्रयान ऊपर जाने वाला था, रात भर बैठा रहा, नहीं गया। फिर भी मैं वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा करके आया। फिर दूसरे दिन एयरपोर्ट से उतर के हमने अपना स्वागत कर लिया। उसके बाद में ये रैली, ये भाइयों बहनों, 5 साल कब निकल जाता है समझिए। मोदी जी अपना करते रहते। कई बार तो लोग मुझे बोल देते यार तू एंटी मोदी है, तब मुझे थोड़ा टेंशन होता है, मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री है, ये एंटी विंटी क्या होता है? क्या होता है एंटी? ये एंटी शब्द भी अभी शुरू हुआ है, जब से ये अपना मोदी जी आए हैं तब से एंटी मोदी। इससे पहले कभी आपने सुना है एंटी अटल, एंटी राजीव गांधी, एंटी इंदिरा?
क्या उन लोगों के एंटी नहीं थे? रहे होंगे, थे, लेकिन एंटी वर्ड अभी सुनाई पड़ा है। पहले भी लोग काम करते थे, इसरो के वैज्ञानिक तब भी काम करते थे, खिलाड़ी तब भी खेल खेला करते थे, व्यंग्यकार कलमकार तब भी अपना काम किया करते थे, फिल्म वाले तब भी अपनी फिल्में बनाया करते थे, मोदी जी तब भी अपना गुजरात में कुछ ना कुछ काम करते थे, योगी जी अपना काम कर रहे थे, बाकी जितने लोग हैं सब अपना अपना काम कहीं ना कहीं कुछ कर रहे थे। लेकिन अब आज देखिए आप कितने काबिल हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, किस रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। आपकी सिर्फ इतनी पहचान रह गई है कि आप प्रो मोदी हैं या एंटी मोदी। मतलब कोई प्रो मोदी कोई एंटी मोदी, हमें यार देश के नागरिक कहां चले गए?